वेलकम। आज हम लोग देखेंगे पेज लेआउट रिबन। पेज लेआउट रिबन का यूज क्या है? पेज लेआउट रिबन की हेल्प से हम पेज की जो सेटिंग है उसको एडजस्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो है थीम। थीम के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका पूरा फॉर्मेटिंग एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में जो होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक देखिए, मैंने एपेक्स पे किया तो ये एपेक्स स्टाइल दिख रहा है, एस्पेक्ट पे किया तो ये एस्पेक्ट स्टाइल दिख रहा है, जस्ट माउस लेके जा रहे तो वो इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में जो प्री डिफाइंड बने हुए फॉर्मेट है उसको अप्लाई करना है तो थीम का यूज कर सकते हैं। थीम के बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको जो फर्स्ट थिंग दिख रहा है वो है मार्जिंग। मार्जिंग का क्या यूज है देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है, इस पेज पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट दिख रहे हैं, वाइट इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। रूलर से क्या इंडिकेट होता है, रूलर से ये पता चलता है कि आप डॉक्यूमेंट के कितने हिस्से पे लिख सकते हैं और कितने हिस्से को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये ब्लैंक है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिंग। तो चार तरीके के मार्जिंग आपके पास हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप एंड बॉटम। मार्जिंग क्या होता है कि पेज पे हम लोग कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिंग में कुछ बने बनाए पैटर्न है, जैसे टॉप, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। अच्छा, एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिफ़ॉल्ट मार्जिंग है, मार्जिन है आपके पेज लेआउट का, वो टॉप, लेफ्ट, बॉटम सारा क्या है, 1 इंच है। तो ये कुछ एग्जाम में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट मार्जिंग होता है वो आपका कितना होता है, तो आंसर होगा 1 इंच। ओके, तो यहाँ पे तरह तरह के मार्जिंग हैं, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। हमने किया कस्टम, ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। कस्टम में पहले हम लोग मार्जिंग टैब पे हैं। मार्जिंग टैब पे हम लोग देख सकते हैं कि आप टॉप से कितना ब्लैंक स्पेस छोड़ना चाहते हैं। हम देखें यहाँ से इसको जब इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वो इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गटर। गटर का क्या यूज है, मैं गटर को बढ़ाता हूँ और आप इस हिस्से पे ध्यान देना। देखिए ये हिस्सा क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइक मान लीजिए कि आपको इसको स्पाइरल बाइंडिंग करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लोग अपने पेज को बाइंडिंग करते हैं तो कुछ एरिया जो है, अगर आपने लेफ्ट मार्जिन कम रखा हुआ है तो कुछ एरिया बाइंडिंग में चला जाता है, तो वो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। आपने ये चीज़ देखा होगा अपने स्कूल के दिनों में, जब हम लोग जो हमारी बुक्स थी उसको दफ्ती में मढ़ाते थे तो कुछ हिस्सा जो है पढ़ने का उसी में सील दिया जाता था, तो हमको पढ़ने में दिक्कत होता था। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज होता है गटर। गटर आपको कहाँ पे लगाना है, तो गटर के दो पोजीशन है, टॉप एंड लेफ्ट। तो फिलहाल मैं गटर को जीरो कर दे रहा हूँ। कभी आपको अगर डॉक्यूमेंट को कहीं पे स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह करना हो तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपके दो हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि वर्टिकली डॉक्यूमेंट पे आएगा, लैंडस्केप का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होकर आएगा। प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप, पोर्ट्रेट का मतलब क्या है। नेक्स्ट है पेजेस। पेजेस का देखिए क्या है यूज, यहाँ पे है मिरर पेजेस। मिरर पेजेस का मतलब क्या है कि जो पेज है उसकी एज एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। दूसरा है टू पेजेस पर सीट। ये देखिए इस प्रीव्यू पे ध्यान दीजिएगा और ओके किया हमने तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि आप जो पेपर प्रिंटर में लगाएंगे, अगर आपने A4 लगाया है तो इतना हिस्सा नीचे का ब्लैंक आएगा और
बाकी जो है कंटेंट इस पेज पे आएगा। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर आपका पेज साइज छोटा है या आप कुछ ऐसा प्रिंट करना चाह रहे हैं कि जो हाफ पेज में आना है, तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद बात है बुक फोल्ड। बुक फोल्ड में देखिए क्या हुआ, आप यहाँ पे ध्यान देना मार्जिन पे आप ध्यान दीजिए। बुक फोल्ड का मतलब ये है कि आपका जो पेज है उसकी विड्थ को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि आप उसको अगर रैप करना चाहते हैं, बुक की तरह फोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह में होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई मार्जिन की। मार्जिन के बाद हम लोग फिलहाल हमने इसको क्या कर दिया, नॉर्मल और पोर्ट्रेट। अब आते हैं पेपर में। पेपर में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये बता रहा है कि आपने पेपर कौन सा लगाया है, उसकी साइज क्या है। नॉर्मली हम लोग A4 पेपर यूज करते हैं ज़्यादातर, और हर एक पेपर की जो भी यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है उसका एक पर्टिकुलर फिक्स हाइट और विड्थ होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेटर सेलेक्ट है, A4 है, लेजर है, जो भी आपको करना है आप उसकी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में कई तरीके की सेटिंग्स हैं, जैसे वर्टिकल अलाइनमेंट। फिलहाल आप देखिए क्या हुआ, हमने इसको किया जस्टिफाइड और ओके किया। तो जस्टिफाइड का मतलब क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा इसको इस चीज़ को करने के लिए फ़िलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो 1 करके इसको अप्लाई किया, और मुझे समझाना है आपको कि जस्टिफाइड का यूज क्या है। ठीक, ये इतनी चीज़ों को मैंने हटा दिया और हमने किया जस्टिफाइड। देखिएगा क्या हो रहा है, मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में, लेआउट में, यहाँ पे टॉप था, हमने कर दिया जस्टिफाइड, ओके किया। तो ये जो है पेज के बॉटम पे कंटेंट आता है, इतना एरिया छोड़कर आता है। ऐसा ही उसमें जो भी है ऑप्शन आप यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई मार्जिन की। अब आते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, और कुछ एग्ज़ाम में भी पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड का ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, ध्यान रहे आपको। जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, उस CCC ओ लेवल या जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जहाँ पे वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो समय समय पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आपको बता दूंगा और उस पे आप ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट साइज जो मैंने बात की पेपर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के साइज हैं, जैसे लेटर का हाइट विड्थ दिया हुआ है, टेबलॉइड का हाइट विड्थ दिया हुआ है, लेजर का हाइट विड्थ दिया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस पे हैं, वहाँ पे कौन सा पेपर यूज हो रहा है। नॉर्मली ज़्यादातर जो यूज होता है वो हमारा होता है कौन सा, हमारा होता है ज़्यादातर A4। ये देखिए A4 का हाइट विड्थ क्या है, A4 का हाइट विड्थ ये है 8.2 समथिंग, और ये खैर ओके। नाउ आते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका कॉलम। कॉलम का यूज क्या है, देखिए कॉलम का यूज क्या है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको आप कॉलम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कॉलम का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कॉलम का यूज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से सब कुछ हटा दिया, और आप रूलर पे ध्यान दीजिएगा, कॉलम में आए, यहाँ पे क्या है 2 कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि आपका पेज का जो हिस्सा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, देख रहे हैं। ठीक, 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। आप रूलर पे ध्यान दीजिए, ये रूलर इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉलम में डिवाइड हो गया है। ठीक है, लेफ्ट कॉलम, तो देखिए लेफ्ट में क्या हुआ है, लेफ्ट वाला हिस्सा थोड़ा कम है, राइट वाला ज़्यादा है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे हम आ गए मोर कॉलम, ठीक, 2, 3 जो भी वहाँ पर दिया हुआ ये लिस्ट दिया है, तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर लिया, हमने कर लिया कॉलम होगा 3। लाइन बिटवीन द कॉलम, कॉलम के बीच में लाइन होगा, आप इस प्रीव्यू में देख सकते हैं लाइन आपको दिख रहा है तो वो वहाँ भी दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया ओके। ओके करने के पहले फिलहाल मैंने यहाँ पे किया 25 कॉलम, ओके ओके 25 नहीं, मैंने किया 50
कॉलम, 55 कॉलम्स। देखिए आप मैसेज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप वर्ड में मैक्सिमम 45 कॉलम्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में पूछता है, नंबर ऑफ कॉलम किसी डॉक्यूमेंट में क्या होंगे, मैक्सिमम 45। तो फिलहाल हमने क्या कर दिया, इसको 3 करके ओके कर दिया, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है। हम जब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो दूसरे कॉलम में नहीं जा रहा है, तो सवाल ये है कि दूसरे कॉलम में हम कैसे जाएंगे, ठीक। तो दूसरे कॉलम में जाने के लिए आइए आपको दिखाते हैं ब्रेक। तो ब्रेक में क्या है, ब्रेक में आपका दिया है पेज ब्रेक। तो हम पहले देख लें कि पेज ब्रेक क्या है। ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट किया ओपन, यहाँ पे पेस्ट किया, आप देखो यहाँ पे पेज कितना है, अभी फ़िलहाल 1 है। और हमने यहाँ से क्या किया, इस इंट्रोडक्शन को के बाद हमने पेज लेआउट में आए, ब्रेक में आए और ब्रेक किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज ब्रेक हो गया। तो कभी भी आपको पेज ब्रेक करना है तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक अगर हमको मान लीजिए इस कॉलम में लिखना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे जा नहीं रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ वो, लेकिन वहाँ पे कर्सर मेरा जा नहीं रहा है। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है। ये देखिए कॉलम ब्रेक हो गया और यहाँ पे आपको लाइन भी दिखने लगा। क्या किया हमने यहाँ पे, ब्रेक पे आके क्या कर दिया, कॉलम ब्रेक। तो आप देख सकते हैं कि बिटवीन द लाइन, लाइन बिटवीन द कॉलम दिखने लगा। अब देखिए यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जो लाइन की बात थी वो हमने लगा दिया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो कॉलम में भी अपने डेटा को रख सकते हैं। फिलहाल हम इसको सिंगल कॉलम करने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका लाइन नंबर। अगर आप वर्ड में लाइन नंबर लगाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं लाइन नंबर, जरूरत पड़ सकता है कुछ केसेस में तो आप इस तरीके से लाइन नंबर वर्ड में जाके लगा लेंगे। इसके बाद आते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन का देखिए यूज क्या है, हाइफनेशन का यूज, हाइफनेशन का यूज ये ना है, जैसे देखिए यहाँ पे अभी मान लीजिए यहाँ पे ये नन है। हाइफनेशन का यूज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो है हमारा पेज का एरिया है लिखने का, और हमको इतने एरिया में ही लिखना है। कभी कभी हमारा वर्ड जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है इंटरनेशनल, ठीक। तो हाइफनेशन क्या करता है, अगर वर्ड को रैप करना है तो रैप करने के पहले उस पर एक लाइन लगा देता है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट अप टू डेट है। हाइफनेशन अपने आप में काम करता ही है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ये देखिए मतलब अगर कोई लाइन को रैप करना है तो वो उसके आगे एक पाई को एक मतलब होता है ना कि ऐसे डैश करके लगा देता है। तो आप इसको ऑटोमेटिक किए देंगे तो वो इंटरनली काम भी करेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम लोग ये कैलकुलेशन है और हमने इसको ये कर दिया, ठीक है, अगर आप हाइफनेशन का यूज करेंगे तो ऐसे एक डैश लगा दिया जाएगा। खैर अब आते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है, वाटरमार्क जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीव्यू में, यहाँ पे वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि पेज पे कोई एक वाटरमार्क लगाना। हम देख सकते हैं डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, तरह तरह की चीज़ें हमने क्या किया, कॉन्फिडेंशियल लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल पेज पे आ रहा है। क्या ये प्रिंट होकर आएगा, लेट्स सी। जी हाँ ये प्रिंट होकर भी आएगा। तो हमको कॉन्फिडेंशियल के अलावा और भी कुछ चीज़ें अगर लिखनी है तो हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, फिर कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कर लिया हमने, तो ये कस्टम वाटरमार्क का है टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट वाटरमार्क, यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल, आपको जो भी चेंज करना है आप कर लो। मैंने कर दिया गिरफा, ओके किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरफा भी आ रहा है।
तो इस तरीके से आप अपना कोई डिजायर वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं। लेकिन वाटरमार्क का यूज क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई इंस्टीट्यूशनल हो या आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हो और आपने उसको नेट पे दिया हुआ है या प्रिंट करके किसी और को दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग जो है इसको अपने नाम से फर्दर पब्लिश ना करें, तो आप अगर वहाँ पे पीछे एक वाटर मार्क लगा देंगे तो कोई इसको पब्लिक भी करेगा या प्रिंट आउट करके फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, तो आपका नाम यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो आप अगर कोई ऐसा आर्टिकल प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो कि ओरिजिनल आपका बनाया हुआ है और आप उसके उसके उसको उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन को रोकना चाहते हैं, तो आप वाटरमार्क जरूर से लगाएं। ये तो बात हुई टेक्स्ट की। और भी इसमें सेटिंग है, कलर है, ट्रांसपेरेंट है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करके देखनी होगी। इफेक्ट सिंपल है, आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क में क्या है, मैंने एक पिक्चर को किया सेलेक्ट और आप देख सकते हैं ओके किया तो यहाँ पे वाटरमार्क में एक पिक्चर भी आने लगा, जैसा कि हमारे नोट में गांधी जी दिखते हैं, वो पिक्चर वाटरमार्क का एग्जाम्पल है। क्या ये प्रिंट होकर आएगा? यस, ये भी प्रिंट होकर आएगा। ठीक, तो पिक्चर वाटरमार्क में क्या है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉश आउट है। तो हमने जब वॉश आउट को किया अप्लाई, तो ये पिक्चर थोड़ा सा डार्क होकर आएगा। तो आप वॉश आउट ना करें, वरना क्या होगा कि जो पिक्चर जो बैक पीछे की तरफ वाटरमार्क में लगा है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे पिक्चर का साइज है 2% इंक्रीज कर दिया, मतलब आपको पेज के कितने हिस्से पे पिक्चर लगाना है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वाटरमार्क लगा लिया, एंटरटेनमेंट हो गया, हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क पे जाएंगे तो हट जाएगा। ओके, नाउ अब आते हैं पेज कलर पे। तो ये तो आपका वाइट वाइट पेज कलर दिख रहा है फोल्डर। अगर मान लीजिए आपको कलर चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, पेज कलर पे आएंगे और यहाँ पे तरह तरह के कलर हैं जिनको आप चूज कर लेंगे। ठीक, जैसे मैंने इस पेज कलर को चूज किया, अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये प्रिंट होकर आएगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे ऑन पेपर। चलिए देखते हैं, ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू। जी नहीं, ये प्रिंट होकर नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रिंट होकर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोग जो है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज करते हैं, और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पे आप ऐसे कलरफुल अगर प्रिंट आउट देंगे तो वो डार्क डार्क सा आएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को वर्ड में एक जगह से बंद किया गया है। आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं, जब ऑन कर देंगे तो वो प्रिंट होकर कलर भी आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर येलो कलर किया प्रीव्यू में देखा तो वो प्रिंट होके आ नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर अगर इसको ऑन करना है आपको कि ये जो बैकग्राउंड में कलर लगा है ये भी अगर प्रिंट होकर आए तो क्या करना है आपको, बैकग्राउंड का कलर को अगर प्रिंट करना है आपको तो आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे वर्ड ऑप्शन, ऑफिस बटन वर्ड ऑप्शन, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डिस्प्ले प्रूफिंग एडवांस पर आते हैं, एडवांस एडवांस कस्टमाइज एडवांस डिस्प्ले पॉपुलर पे डिस्प्ले पे, हाँ डिस्प्ले पे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ऑफिस, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, ऑफिस बटन वर्ड ऑप्शन डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जाके ये है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। ठीक, इसको हमने क्या किया, ओके किया। अब देखते हैं प्रीव्यू पे जाके ये प्रिंट होकर अब आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस जो बैकग्राउंड कलर है इसको ऑन या ऑफ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पर आप ऐसे येलो कलर दे देंगे तो वो येलो पूरा ब्लैक आएगा। खैर, तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है, अगर आपको इसमें से कोई कलर नहीं अच्छा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो
तो आप क्या करेंगे, मोर कलर पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, मोर कलर। अब मैंने मोर कलर पे क्लिक किया तो ये मोर कलर का डायलॉग बॉक्स आया। इतने तरीके के यहाँ पे कलर हैं, जो कलर आपको चूज करना है यहाँ से क्लिक करिए और उसको ओके कर दीजिए। देखिए बींग ह्यूमन जो हमारा कलर का सिलेक्शन है ना, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मोर कलर है ये भी आपके लिए सफिशियंट ना रहे। जैसे रेड ही है, रेड में ही हल्का रेड, डार्क रेड, मतलब कस्टमाइज और ज़्यादा अगर आपको कस्टमाइज करना है, या सीधे सीधे कह ले कि आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर को बना सकते हो, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, कस्टम पे। ठीक, कस्टम पे आपने क्या किया, आपको रेड में चाहिए कलर, तो आप पहले ये जो वाला है एरिया यहाँ पे क्लिक कर लो। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये देखिए, ये वाला जो पैनल है यहाँ पे, जो ये एरो है इसको अप एंड डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे ये जो न्यू है, न्यू में कलर दिखाएगा। हमने यहाँ पे कर लिया ग्रीन, चलिए ग्रीन। अब ग्रीन में देख लीजिए, और हल्का और हल्का और हल्का और हल्का ये, या मान लीजिए ब्लू, ब्लू में ये वाला ब्लू, ये वाला ब्लू, ये वाला ब्लू, और ओके कर देंगे। ठीक, तो ये कलर देखिए वहाँ मोर कलर में भी नहीं था लेकिन हमने बना लिया। तो इस टाइप से आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसमें है ये फील इफेक्ट। फील इफेक्ट क्या होता है, फील इफेक्ट में क्या होता है, आपका यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रेडियंट टैब पर है। ठीक है, ग्रेडियंट ग्रेडियंट, तो यहाँ से हमने क्या किया, सेलेक्ट वन कलर, मतलब बैकग्राउंड का कलर के अलावा और कुछ लगाना है, तो यहाँ पे ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसकी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट लेवल को हमने सेलेक्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनल, ये देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, जो भी आपको चाहिए। सेलेक्ट किया मैंने इसको, ओके किया। इफेक्ट अभी उतना नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ पे। फील इफेक्ट टू कलर किया, एक कलर हमने रेड लिया, एक कलर हमने येलो लिया, और ये उसमें तरह तरह के इफेक्ट हैं। जैसे मैंने इस इफेक्ट को सेलेक्ट किया, अब देखिए अब दिख रहा है। इस टाइप से है, मोर कलर में आप जाके लगा सकते हैं, फील इफेक्ट में। फील इफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है टेक्सचर। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर पे क्लिक किया तो यहाँ पे वर्ड में बने बनाए पहले से इतने सारे पैटर्न हैं, इसमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया। ठीक, तो आप टेक्सचर को चूज करते समय अपने फोन के कलर का भी ध्यान रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसी हिसाब से उसको लगाएं कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसके बाद टेक्सचर के बाद है पैटर्न। पैटर्न में क्या करना है, वही दो कलर आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इतने सारे पैटर्न हैं, जो पैटर्न आप लगाते हैं वो आपके पेज के बैकग्राउंड पर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पैटर्न को लगाया, देखिए कितना प्यारा इफेक्ट बनकर आया है ये पेज पे। ठीक, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से क्या करना है, नो कलर, नो कलर कर दिया। इसके बाद आते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर तो क्लिक किया हमने, पेज बॉर्डर में देखिए, बॉर्डर में दो तरीके के हैं बॉर्डर, एक बॉर्डर है एक पेज बॉर्डर है। तो फिलहाल मैं आपको बता दिए रहा हूँ अभी बॉर्डर। बॉर्डर के लिए हमने क्या किया, अभी हमारा कर्सर कहाँ है, इस पैराग्राफ में है, हम बॉर्डर पर आए और यहाँ से ये बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। बॉक्स है, शेडो है, कई तरीके का स्टाइल है। ठीक है, कई तरीके का स्टाइल है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से इसको शेडो को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि ये शेडो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद तो ये पैराग्राफ पे बॉर्डर लग गया है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर क्या होगा, आप अगर पेज बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आएंगे। बॉर्डर के ये चार एस्पेक्ट हम लोगों ने देख लिया, ये पेज बॉर्डर है सेलेक्ट, कोई भी आप 3D है, शेडो है, तीन तरीके के हैं इफेक्ट। मान लीजिए मैंने सपोज 3D ही किया, ये 3D है, मतलब स्टाइल हमने सेलेक्ट कर लिया,
और ये बॉर्डर के पैटर्न है कौन सा आपको लगाना है। मान लीजिए ये मैंने जो ये जिग जैग लाइन है इसको कर लिया, लाइन का विड्थ क्या होगा, इसमें तो एक ही है विड्थ, दूसरे में अलग अलग विड्थ आपको मिलेगा, ये जैसा देखिए इसमें हो रहा है। कलर क्या होगा, मान लीजिए हमने रेड कर लिया और ओके कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये हर एक पेज पे लग जाएगा, जितना भी आप पेज लेते जाएंगे बॉर्डर अपने आप आता चला जाएगा। ठीक, बॉर्डर में और क्या है, कुछ अट्रैक्टिव बॉर्डर के स्टाइल भी हैं, जैसा कि ये तो हम लोग देख सकते हैं, ये सिंपल सिंपल जस्ट लाइन है। इसके अलावा भी आपके सामने ये इतने तरीके के तरह तरह के स्टाइल हैं, जिसको आप चाहे उसको चूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक, देखिए बॉर्डर में ये वाला जो हिस्सा है ये बताता है कि आपको बॉर्डर पेज पे क्या जो जो चारों सिरे हैं चारों सिरे पे चाहिए या कुछ स्पेसिफिक एरिया पे चाहिए। जैसा कि मैंने बस टॉप और बॉटम पे लगाया, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ टॉप और बॉटम पर है। तो इस टाइप से आप चाहो तो बॉर्डर लगा सकते हो, नहीं लगाना है नो बॉर्डर करके हमने हटा दिया। ठीक, ये तो बात हुई बॉर्डर की। ठीक, इसके बाद मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया लॉरेन इप्सम। अब मुझे क्या करना है, लॉरेन इप्सम को थोड़ा सा आगे करना है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए इंडेंट का ऑप्शन है। ये किसी टेक्स्ट को आगे पीछे करना है, आप देख सकते हैं ये भी आगे पीछे जा रहा है। ठीक, तो आप इसको कर सकते हो। ओके, नाउ फिलहाल मैंने यहाँ से भी बॉर्डर को हटा दिया, नन कर दिया, सॉरी इस पे से भी मैंने बॉर्डर को, पेज बॉर्डर को यहाँ से हटा के नन कर दिया, यहाँ इन चीज़ों को डिलीट कर दिया और इसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट किया, दो और तीन। तो मैंने क्या किया, आप तीन पैराग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। और आपको मुझे बताना है कि ये स्पेसिंग क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिफोर, देखिएगा क्या हो रहा है, बिफोर को मैं जब इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब किसी पैराग्राफ के ऊपर अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेसिंग में जाकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका क्या है, आफ्टर, आफ्टर अगर आपको ये पैराग्राफ है इसके बाद के पैराग्राफ में स्पेस चाहिए तो क्या करना है, आफ्टर, देख सकते हैं ये एरिया इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के बिटवीन द पैराग्राफ स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर ये देखिए पोजीशन है, पोजीशन वही इमेज को कर रहा है इंडिकेट, हमने यहाँ से एक पिक्चर को लगाया और इस पिक्चर को कैसे आपको रखना है हम लोग इसको देख चुके हैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में। ठीक, पिक्चर पे ये रैप टेक्स, इसको आप इंसर्ट में पढ़ेंगे तो, या मैंने एक मेरे दूसरे ट्यूटोरियल में ये पूरा सेक्शन है पिक्चर का, अलाइन क्या होगा टॉप बॉटम लेफ्ट, तो ये मेरे जो आप ग्राफिक्स वाले ट्यूटोरियल में इस पार्ट को देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, सॉरी। ओके, नाउ डेट्स ऑल, आपके पेज लेआउट पे इतनी ही चीज़ें थी, बाकी इन चीज़ों को आपको देखना है तो आप मेरे ग्राफिक्स वाला जो ट्यूटोरियल है वहाँ पे ग्राफिक चार्ट के नाम से ट्यूटोरियल जो है मेरे चैनल पे, उस पे जाके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो चीज़ें ना समझ में आई हों रिपीट करके देखिए। थैंक यू फॉर